तो अपन बात करते हैं 3 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। सावित्री बाई फूले, ये सोशल रिफॉर्मर थे, महाराष्ट्र में जन्म हुआ था इनका, 31 की बात है ये। तो ये फीमेल, फर्स्ट फीमेल टीचर रहा करती थी उस वक्त की बात है ये, 48 की बात है। गर्ल्स एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत काम किया था, और इसके अलावा उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन, ऑर्थोडॉक्स, विडो, इन सब के लिए काम किया था। 1700 तक समाज जो उसके हस्बैंड ने बनाया था उनके लिए काफ़ी उन्होंने काम किया था। बाल हत्या जो है उसके लिए, प्लेग के टाइम पे, तो शी डिड वेरी गुड जॉब। यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का नाम चेंज कर दिया गया था, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। लॉर्ड कर्जन की अपन बात करें तो उसने कुछ पार्टीशन जो है बंगाल का 1905 के करीब करीब किया था, और उसके बाद में इसकी गवर्नरशिप जो है 99 से 1905 तक रही थी। इसके अलावा उन्होंने कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट निकाला था, हालांकि कुछ गलत काम भी किए थे उसने, और इसमें क्या होता है कि जो इंडियंस थे उनकी संख्या कम कर दी थी कलकत्ता के एक्ट के अंदर। हालांकि उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए थे, जो रिफॉर्म्स किए थे, जैसे कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 लेके आए थे ये, जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ को गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाया गया। उसके अलावा उन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया बिहार के अंदर, उसके अलावा पुलिस रिफॉर्म्स वगैरह किए, ट्रेनिंग स्कूल खोले पुलिस के लिए, और इसके अलावा इंपीरियल जो मिलिट्री है उसके लिए कुछ कैडर बनाया, मॉन्यूमेंट ऑफ एक्ट वगैरह 1900 बनाए ताकि आर्ट को, कल्चर को प्रिजर्व किया जा सके। तो ही डिड सम गुड वर्क। ऑफ कोर्स पॉलिटी, नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करते हैं तो ये एक तरह का परमानेंट फीचर होता है, हमेशा हर साल आता है ये अक्टूबर दिसंबर के अंदर। और ये जो है आपके, ये जो जो सदर्न आपका जो इंडिया है उसके अंदर बारिश करता है, तमिलनाडु केरला, उसके समय जो साउथ वेस्ट मानसून होता है ये, वो यहाँ से केरला के अंडर होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर होता है तो, और इंडिया में जो ऊपर की तरफ नॉर्थ इंडिया में लो प्रेशर होता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एरिया में हाई प्रेशर होता है, फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ ये हवाएं जाती है। तो यू शुड नो, मैप क्लियर बना सकते हो एग्ज़ाम में। सो नॉर्थ ईस्ट मानसून इज समथिंग विच इज़ कम इन द अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड सम ऑफ द एरियाज़ लाइक तमिलनाडु एरिया एंड कोस्टल एरियाज़ वे जहाँ बारिश होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है उससे साउथ इंडिया में बारिश जनरली नहीं होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आपको गंगेटिक प्लेन्स और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नदर्न स्टेट जो होते हैं उसके अंदर बारिश देखने को मिलती है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो जनरली मेडिटेरियन सी के जो आसपास की कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान, ईरान, उसके आसपास जो है वहाँ से आता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की हम बात करें तो ये आर्टिकल 105 और 94 के अंदर जो है स्टेट और पार्लियामेंट के लिए बनाया गया है। अभी केरला जो है उसने बोला है कि भाई हम सिटीजन अमेंडमेंट जो है उसको लागू नहीं करेंगे, तो केरला से नहीं बोल सकता क्योंकि जो सेंटर बोलता है वो स्टेट्स को करना पड़ता है। तो जो प्रिविलेज कमेटी होती है उसमें स्पीकर जो होता है वो उसको नॉमिनेट करता है, कि 15 मेंबर की कमेटी होती है, और राज्यसभा में 10 मेंबर की कमेटी होती है, और डिप्टी चेयरमैन उसका कमेटी का हेड होता है। काला पानी एक बॉर्डर है जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में अभी इशू बन के आया है, कि भाई नेपाल बोलता है कि भाई काला पानी हमारा है, इंडिया बोलता है कि काला पानी जो है वो उत्तराखंड का है, एंड फालतू की बातें। नेक्स्ट चलते हैं अपन, ये भी कुछ कांग्रेस वांग्रेस का फालतू का सेशन हुआ है, नॉट इम्पॉर्टेंट। MiG-27 को रिटायर कर दिए गए हैं, ये 85 में कारगिल वॉर में बहुत मदद करी थी इन्होंने, सोवियत यूनियन और फिर बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल ने जो है इसको बनाया था आगे जाके। मिडवाइफ का मतलब होता है जो बच्चा पैदा करने में नर्स मदद करती है। अब इसमें बात करते हैं कि स्टेट पॉलिटी की हम बात करते हैं, तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है, हालांकि ये स्टेचुरी बॉडी होती है, ध्यान रखना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा जो गवर्नर होता है वो चेयरमैन और उसको अपॉइंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट रिमूव करता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो। ग्राम सभा की हम बात करें तो 18 साल के जितने भी ऊपर बच्चे होते हैं जिनका नाम इलेक्ट्रोल लिस्ट यानी कि इलेक्शन कार्ड बन गया होता है वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनने के लिए आपको 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, सो ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट की अपन बात करें तो जो इलेक्शन होता है उसके, प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, पार्लियामेंट उसके लिए नियम बना सकता है, और अगर कोई विवाद होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है, डिस्प्यूट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अपन बात करें तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलता है वो प्रेसिडेंट को करना ही पड़ेगा, और जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस बनाता है उसका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कोई भी ऑर्डर नहीं निकाल सकता, ये ऐसे नहीं कर सकता, उसको जो पार्लियामेंट बोलता है वो करना पड़ता है। स्टेट इमरजेंसी की हम बात करें तो स्टेट इमरजेंसी जो होती है वो प्रेसिडेंट द्वारा, इट कैन बी
रिवोक एनी टाइम, मतलब कभी भी जो होते हैं स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है रिवोक यानी ख़त्म की जा सकती है विदाउट अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट नहीं चाहे तो भी वो कर सकता है। प्रेसिडेंट रूल जो है वो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ को छोड़कर के बाकी सभी राज्यों में लगाया गया है। तो यू शुड नो वॉइस ओवर वाईफाई का मतलब ये है कि वाईफाई अगर आपके कनेक्टिविटी है तो आप कॉलिंग कर सकते हो। तो ये एयरटेल ने कुछ भी फालतू का प्लान निकाला है, नॉट इम्पोर्टेंट। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की हम बात करें तो ये प्राणहिता और उसके ऊपर बना हुआ है, ये गोदावरी रिवर जो है उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश जो है उससे उसको उस इरीगेशन वगैरह में मदद मिलेगी। ऑपरेशन ट्विस्ट का मतलब ये होता है कि जो बाइंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ और सेलिंग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़, तो ये एक ऑपरेशन ट्विस्ट सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के द्वारा ये निकाला गया प्रोग्राम है। अब ये खरीद क्यों रहे हैं लॉन्ग टर्म और छोटे टर्म के बेच क्यों रहे हैं सिक्योरिटीज़, आई रियली डोंट नो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फलाना फलाना, नॉट इम्पोर्टेंट। एक्सेसिबल इंडिया का मतलब जो दिव्यांग जन होते हैं उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है। एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाता इस योजना के तहत, बाकी सब दिया जाता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करें तो ये सब जगह आता है, तमिलनाडु के अंदर पौडुचेरी एंड ऑल। पालामू क्या चीज़ है, एक छोटा सा पैसिफिक ओशन के अंदर एक आइलैंड कंट्री है जिसने सनस्क्रीन को बैन कर दिया है, फर्स्ट नेशन है तो अच्छी बात है। जेमिनी क्या चीज़ है, जेमिनी एक तरह का इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन है, जो मछुआरे होते हैं फंस जाते हैं, ओ बचाओ बचाओ बचाओ, तो उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई मछली पकड़ने मत जाना। तो साइक्लोन कौन कौन से आए हुए हैं यू शुड नो, पता लगा लो, अच्छी बात है, याद रखो तो ठीक, नहीं तो चलेगा। नागेश्वरम जो टेम्पल है एक्चुअली चोला टाइम के आदित्य चोपड़ा ने इसको बनाया था, आदित्य चोल ने बनाया था, और इसमें भगवान शिव जो है उसकी पूजा की जाती है, और ये तमिलनाडु के अंदर है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। DRDO यंग डिफेंस का मतलब ये है कि 35 साल से कम के जो यंग साइंटिस्ट हैं वो वॉर टेक्नोलॉजी बनाएंगे। फेयर एंड रिज़नेबल प्राइस जो होती है शुगर यानी गन्ना जो होता है, शुगर केन का जो गन्ना होता है उसके लिए प्राइस दी जाती है। इसको रिकमेंडेशन देता है CACP के द्वारा, CACP देता है रिकमेंडेशन, लेकिन फिक्स जो है यूनियन गवर्नमेंट करती है, ठीक है। और ये पूरे इंडिया में एक जैसा लागू होता है यूनिफॉर्मली ऑल ओवर इंडिया। नेशनल सोशल असिस्टेंस NSSEP जो होता है वो स्पॉन्सर्ड होता है, जो बूढ़े बड़े बुजुर्ग होते हैं, विडो होती है। आर्टिकल 41 जो है उसके तहत जो है इसको बनाया गया था कि गरीब लोगों की मदद की जा सके। सो न्यूज फ्रेंड्स, थैंक यू।